Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says at Devprayag, river Alaknanda mixes with river Bhagirathi and becomes river Ganga. Suppose Alaknanda has a width of 12 meter, Bhagirathi has a width of 8 meter, and Ganga has a width of 16 meter. Assume that the depth of water is same in the three rivers. Let the average speed of water in Alaknanda be 20 km per hour and in Bhagirathi be 16 km per hour. Find the average speed of water in river Ganga. फाइन सो आप देखो इस तरह से हमारे पास एक सिस्टम ऑफ रिवर्स है समथिंग लाइक दिस. लेट्स से दिस रिवर इज अलकनंदा, दिस रिवर इज भागीरथी एंड दिस रिवर इज रिवर गंगा. विड्थ इज गिवन. अलकनंदा इट इज 12 मीटर, फॉर भागीरथी इट इज 8 मीटर एंड फॉर रिवर गंगा इट इज 16 मीटर. एंड एवरेज स्पीड ऑफ वाटर इज ऑल्सो गिवन. फॉर अलकनंदा इट इज 20 किलोमीटर पर आवर, for Bhagirathi it is 16 km per hour, and for river Ganga we have to find out. So let's say V is the average speed of water in river Ganga. Then let's say किसी time instant t पे, किसी time interval t पे जो mass of water अलकनंदा से pass होता है that is m1, जो mass of water Bhagirathi से pass होता है that is m2, and जो mass of water Ganga से pass होता है that is m3. Then equation of continuity says that m3 is equal to m1 plus m2. लाइक जो भी मास ऑफ वाटर अलकनंदा से पास होगा वो मिक्स हो जाएगा विद द मास ऑफ वाटर जो भागीरथी से पास होगा. एंड m1 और m2 कॉम्बाइन होके रिवर गंगा से पास होंगे, है ना. सो दैट्स वाई m3 इज इक्वल टू m1 प्लस m2. नाउ इफ दिस टाइम इंटरवल इज 1 सेकेंड, देन वी कैन से कि जो मास फ्लो रेट है, मास फ्लो रेट, यू कैन से रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास, है ना, दैट विल बी m3 इज इक्वल टू m1 प्लस m2. और इसे ही हम मास फ्लक्स भी कहते हैं. मीन्स एक सेकेंड में कितना मास ऑफ वाटर किसी गिवन क्रॉस सेक्शन से पास होता है. सो लेट्स से ये क्रॉस सेक्शन 1 है एंड ये जो है ये क्रॉस सेक्शन 2 है एंड दिस इज क्रॉस सेक्शन 3. Then we can say mass flux from cross section 1, m1 plus m2, that should be equal to m3. And jo mass flux hai, that is nothing but cross sectional area into speed, or you can say average speed into density of water. So first wale cross section ki agar hum baat kare, that is Alaknanda. So wahan pe cross sectional area kitna ho jayega, width कितना है 12 एंड डेप्थ हम कुछ डी एज्यूम कर लेते हैं, है ना. डी इज़ द डेप्थ ऑफ वाटर इन दिस रिवर. सो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया. इनटू एवरेज स्पीड दैट इज 20 इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, सो दैट इज रो डब्ल्यू. प्लस सेकंड क्रॉस सेक्शनल एरिया पे देखो 8 इनटू डी, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया. एवरेज स्पीड 16 इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन 3 पे विड्थ इनटू डेप्थ, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, इनटू एवरेज स्पीड वी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर. सो यहाँ से देखो डेंसिटी ऑफ वाटर कैंसिल हो जाएगा, डी भी कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट यू आर गेटिंग इज 12 इनटू 20 प्लस 8 इनटू 16, दैट शुड बी इक्वल टू 16 इनटू वी. सो यहाँ से यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्पीड, है ना, एवरेज स्पीड इन रिवर गंगा. That will be 240 plus 8 into 16 divided by 16. Now you can calculate this numerical answer. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay, guys, keep working hard. Best of luck. Bye.